और बिहार में ये समझना होगा कि बिहार की आवाम क्या चाह रही है। आप ये सोच लें कि इस तरह का जो कांड हो रहा है, कहीं बलात्कार, कहीं हत्या, कहीं डकैतियां, इस तरह का बढ़ गया है कि इस पर अगर अंकुश नहीं लगाया तो ये सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई जारी। टीम बन गई है लेकिन हत्या हो जा रही है। जिसके घर का लोग का हत्या हो रही है उससे पूछिए मुआवजा से क्या होता है। ये जो आज जो पटना छोड़ के आप आज मुजफ्फरपुर उठा लीजिए, गोपालगंज उठा लीजिए, लोग पुलिस को भी लोग अपना निशाना बना दे। अभी मुख्यमंत्री जदयू जो है बीजेपी के दबाव में यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला हो रहा है। अपराधी आए दिन हत्या कर रही है, लूट कर रही है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज़ मैरिज भी। देखिए आपको बताते चले, आज भगत सिंह चौक पे पट्टा सिटी में आज यहाँ पे बिहार के जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है। कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता लोग थे यहाँ पे, जो यहाँ पे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग थे यहाँ पे, आज नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इसलिए कि जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, जिस तरीके से हत्याएं का दौर जा रहा है, उसी को आक्रोश को देखते हुए तमाम लोग में आक्रोश है, इसको लेकर आज यहाँ पे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का कांग्रेसियों ने आज यहाँ पे पुतला दहन किया। महागठबंधन के जितने लोग हैं तमाम लोगों ने आज यहाँ पे आज पुतला दहन किया श्री नीतीश कुमार का। इसलिए कि जो अपराध का जो ग्राफ बढ़ा है बिहार में, उसको लेकर काफ़ी लोग नाराज़ हैं और तमाम लोग क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते। धन्यवाद। लेकिन विवश होकर के ये आवाम, ये बिहार की युवा, बिहार की महिलाएं, बिहार के मजदूर ये पूछना चाह रहे हैं कि हत्या किसकी हो रही है, कौन लोगों की हत्या हो रही है, हत्या करने वाला कौन है और इस पर कमांड क्यों नहीं पाया जा रहा है। नीतीश जी, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, बिहार के आने वाले 2025 में चुनाव है, इसका अंजाम आप समझेंगे। देश और बिहार में ये समझना होगा कि बिहार की आवाम क्या चाह रही है। आप ये सोच लें कि इस तरह का जो कांड हो रहा है, कहीं बलात्कार, कहीं हत्या, कहीं डकैतियाँ, इस तरह का बढ़ गया है कि इस पर अगर अंकुश नहीं लगाया तो ये सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई जारी रहेगा। आने वाले समय में आपको मैं चेतावनी देता हूं मीडिया के माध्यम से, अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो आप अंकुश के कटघरे में होंगे। आज नीतीश जी का किया है, बिहार सरकार का किया है। आज आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार का जो स्थिति है, हत्या, लूट, ऐसा कभी सुनने में नहीं आता था। खासकर पटना में आप ले लीजिए, आए दिन हत्या क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है, ये किसी को पता नहीं है। बस पेपर में छपता है कि एक टीम बन गई है, लेकिन हत्या हो जा रही है। जिसके घर का लोग का हत्या हो रही है उससे पूछिए मुआवजा से क्या होता है। ये जो आज जो पटना छोड़ के आप आज मुजफ्फरपुर उठा लीजिए, गोपालगंज उठा लीजिए, लोग पुलिस को भी लोग अपना निशाना बना देते हैं। ये जो आज व्यवस्था हो गया है, इसको जल्द से जल्द हमारे मुख्यमंत्री जो है इसको सुधारें और अपने गृह मंत्रालय को ठीक करें कि ये बिहार का जो बदनामी जो पूरे भारतवर्ष, पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, इसकी इस बदनामी को बंद करें। आज हम लोगों ने बिहार सरकार का पुतला फूकने का काम किया है कि इस माध्यम से उन्हें पता चले कि आपके लिए यहाँ पर विरोध निरंतर जारी है, लोग आपसे विरोध के ओर जा रहे हैं, आप इसको सुधारें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का निरंतर जो अपराध बढ़ रहा है, लगातार अपराधी जो है निरंकुश हुए हुए हैं और सरकार और प्रशासन विफल है इन अपराधियों पे लगाम लगाने के लिए, जिससे इतनी हत्याएं हो रही हैं, अपराध का मामला बहुत बढ़ गया है और इसके बीच में जनता के बीच आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी ने और महागठबंधन ने इसी आक्रोश को विरोध प्रदर्शन के रूप में नीतीश कुमार का पुतला दहन करके जताया है। शमीम अख्तर, खाचकला, आलमगंज ब्लॉक प्रशासन। नियंत्रण में नहीं है अभी मुख्यमंत्री जदयू जो है बीजेपी के दबाव में,
यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला हो रहा है, अपराधी आए दिन हत्या कर रही है, लूट कर रही है, और मुख्यमंत्री चुपचाप मतलब बैठे हुए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार अभी रहती तो बीजेपी वाले और जदयू वाले दोनों मिलकर हल्ला करते किस तरह से मतलब अपराधी अपराध बढ़ रहा है। मैं कहूँगा कि जदयू और बीजेपी इस्तीफा देना चाहिए। आज पुतला नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पुतला फूंका शहीद भगत सिंह चौक पर। फिरोज हसन।